अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बस खैरियत से ही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मटन स्टू। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो से ज़रा ऊपर है हमारा गोश्त मटन, इसमें फुट है और गोल गोटी है साथ। अब इसमें मैं डालूँगी 1 प्याली दही सबसे पहले, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी तेज़ पत्ता 2 अदर, लहसुन के 7 से 8 जवे साबुत, तीन अदर दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, बादियान का छोटा सा फोड़, पपीते का इतना सा टुकड़ा इसको जल्दी गलाने के लिए, 8 से 10 काली मिर्चें, 3 से 4 अदर लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और इसके बाद ये डाल रही हूँ इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज है, 1 किलो प्याज है इससे ये मैं तकरीबन 5 से 6 अदर लेके उसको चकोरी से मैं काट लिया, लेकिन ये किलो है तकरीबन। फिर मसाला ज़्यादा करने के लिए अगर आपको पहले कम करना है तो आप 3 से 4 अदर भी बहुत है, ये तो मैंने मसाला ज़्यादा बनाना था इसलिए सब पसंद करते हैं तब भी मैंने ज़्यादा लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को दही के साथ, फिर वैसे स्पाइसेस ऐड करते हैं। वन टी स्पून सूखा धनिया पाउडर थोड़ा सा कर पहले, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायक है इसको हम लोग बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करना हो कर सकते हैं। इसमें मैं 1 प्याली पानी ऐड करूँगी, बहुत सिंपल इजी है, जब कुछ समझ ना आ रहा था अभी। इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे गोश्त करने तक, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसमें टमाटर का ऐड करने हैं और अदरक का ऐड कर देंगे, सब कुछ इसे मिक्स करके कवर कर देंगे और 1 घंटे तक इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे। स्टू में रेड चिली नहीं डलती, इसमें साबुत मिर्चें डलती हैं, गोल और ग्रीन चिलीज डालते हैं आपकी मर्जी है, जो भी चीज़ आपके बच्चे पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ज़रा बच्चों को मिर्चें ज़्यादा लगती हैं इसलिए मैं रेड चिली नहीं डालूँगी, गोल है जो मैं वो ग्रीन चिलीज काट के डालती हूँ। इसलिए 1 घंटे के बाद देखें 1 घंटा हो चुका है हमारे गोश्त को तकरीबन, और ये बहुत अच्छे से गल भी चुका है। तो अब इस पॉइंट पे ना मैं इसमें डालूंगी टोमेटो, ये बहुत सिंपल इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा यकीन है आपको पसंद आएगा। ये ना मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे बड़े, ये ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देखिए इसके लाइना पानी ना
मैं ऐड कर रही हूँ 3000 का वाटर। अब इसको मैं फिर कवर करके रख दूँगी अगेन, और सबसे लास्ट में मैं हरी मिर्च और अदरक डालूँ। अभी मैं इसमें ऑयल भी डालूँगी इस पॉइंट पर, ताकि ये माशाल्लाह से खुशबू बड़ी अच्छी आएगी भून के, ताकि ऑयल की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है अगर टमाटर को काट डालें। अगर आप लोग बहुत चिका रखते हैं ना, तो उसमें जब आप टमाटर ऐड करें ना, तो ऑयल भी साथ ही डाल देना चाहिए, इससे स्मेल नहीं आती। आप लोग वो ट्राई कीजिए। अब मैं इसको अगेन कवर करूँगी टमाटर का पानी खुश होने तक, फिर अब इसको भूनूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। ये फुल फ्लेम पे होगा जो भी है, अब ये फुल फ्लेम पर हम इसका पानी खुश करें। हम लोग इसको चेक करेंगे, देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक टमाटर का पानी खुश्क हो गया, इसमें बबल्स बनने बंद हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि ये रेडी है। और नमक मैंने चखा था, थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ इसी पॉइंट पे, ताकि मैच हो जाए, सही था मिक्स हो जाए, कि ड्राई चीज़ में नमक चेक करना मुश्किल है थोड़ा। तेल अलग होगा, मसाला तकरीबन माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप भी इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना चाहें, तो आप इसमें ना कोयले का दांत लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें कोयला भी, देखो मैंने थोड़ा सा ना इधर एक साइड पे इसको रखा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, ये प्यारा फ्लेवर आएगा। ये मैंने रेड भी घर में सिखाई नहीं है, इसको ड्राई किया हुआ है घर में, जो ये रेड चिलीज आती है ना ग्रीन चिलीज, उनको जब ये रेड हो जाए तो आप उसको वेस्ट ना करें, वो होते सुखा के खुश करके किसी शीशी में रख लें, तो ये उसी का काम नहीं है। ये अदरक है बारीक हिस्सा, और ये हरी मिर्च मैंने नहीं है दो लंबी वाली, इसे हांडी वाली कलर फुल हो जाएगी और थोड़ा सा स्पाइसी भी टेस्ट हो जाएगा। तकरीबन रेडी है, मैंने ना इसे थोड़ा गीला गीला ही रखना है, ज़्यादा ना वो खुश्क नहीं करना। अब ये देखिए मैं इसमें इस पॉइंट पे ये भी ऐड कर रही हूँ बड़ी मिर्च, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने इसमें रेड चिली तो ऐड नहीं की है, इसलिए ग्रीन और रेड ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से इसमें बबल्स रह गए। अच्छा, ऑयल हमको ज़्यादा नहीं डालते हैं किसी भी चीज़ में, कि ऑयल की सेहत भी इतना अच्छा नहीं है, इसको उतना यूज़ करें जितनी हांडी में इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें मैंने तकरीबन जो है हाफ कप ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल नहीं, हाफ कप ऑयल यूज़ कर। ये आज हम स्ट्रेडी है, अब मैं इसको लगी हूँ कोयले का डब लगा, अब इसमें हम करेंगे कोयले का डब। सबसे पहले ये देखिए, सबसे ये हमारा रेडी हो चुका है, इसमें मैंने कुछ गीला गीला रखना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। Thank you.
ये हमने इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें डाला। हम इसको खा लेंगे दवा। देखिए हमारा मज़ेदार सा स्टू तैयार है। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैंने कोयला का दम लगाया है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं पसंद है, लेकिन हम लोगों को पसंद है जो मैंने लगा लिया। और अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमन शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।